एलिन जियो सिनेमा पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो चुकी है, जो कि एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर ड्रामा बेस्ड मूवी है जिसकी लेंथ 1 घंटा 35 मिनट है। तो ये बात करते हैं इस मूवी के कुछ अच्छे और बुरे एस्पेक्ट्स के बारे में कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, मेरे इस क्विक रिव्यू में। तो मूवी की स्टोरी फोकस करती है 1960s में मैसाचुसेट्स में, जहाँ एक यंग लड़की जुवेनाइल जस्टिस होम में काम करती है जिसका नाम एलिन होता है। जहाँ वो काम करती है उसके साथी कोवर्कर्स उसे काफी परेशान करते हैं, जिससे वो हर वक्त टेंशन में रहती है, परेशान रहती है। और घर पर भी उसका शराबी पिता, जो कि एक पूर्व पुलिस ऑफिसर होता है, वो भी एलिन को काफी नापसंद करता है और उसे हर वक्त खरी खोटी सुनाता रहता है। इसी बीच जुवेनाइल होम में एंट्री होती है एना हैथवे एज अ रिबेका की, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट होती है, जो कि कमाल की सुंदर होती है और हॉट होती है। देखिए, हमारी लाइफ में घर पर या आस पड़ोस में कुछ लोग होते हैं जिनका ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, या यो कहें कि उनकी मौजूदगी से ही माहौल थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है, ना चाहते हुए भी आपकी नजर उस शख्स पर बार बार जाती है। ठीक इसी टाइप का ऑरा रिबेका का होता है, जो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट होती है कि ना चाहते हुए भी एलिन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। रिबेका और एलिन की लाइफ में ट्विस्ट तब आ जाता है जब ये दोनों एक साथ एक ली नाम के लड़के के केस पर काम करना शुरू करते हैं, जिसके साथ उसके पास्ट में कुछ बुरा हुआ होता है। और इसी केस के बाद एलिन की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। जो एलिन हर वक्त परेशान रहती थी, इस केस के बाद वो थोड़ी खुश दिखाई देने लगती है। अब ये केस क्या है और ली के साथ पास्ट में क्या हुआ होता है और एलिन इस केस से कैसे अफेक्ट होती है, ये सब जानने के लिए आपको चेकआउट करना होगा इस मूवी को। देखिए दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस इस मूवी को लेकर काफी अच्छा रहा, क्योंकि इस मूवी के कुछ पर्टिकुलर मोमेंट्स में मैं तो शॉक हो गया था। ओवरऑल मूवी की स्टोरी अच्छी है, प्लस मूवी 1960s में सेट है, तो मूवी के विजुअल्स और कलर ग्रेडिंग काफी अच्छी है। ऊपर से एलिन और रिबेका के कैरेक्टर को काफी अच्छे से डेवलप किया गया है। देखिए मूवी की स्टार्टिंग एकदम नॉर्मल सी है, बट क्लाइमेक्स की ओर बढ़ते बढ़ते आप अपना सर पकड़ लेंगे। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलिन और रिबेका के कैरेक्टर में जमीन आसमान का फर्क है, बट मूवी के क्लाइमेक्स में आपको समझ आएगा कि इन दोनों की पर्सनैलिटी में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्लस एंडिंग आपको ये सोचने पे भी मजबूर कर देगी कि रिबेका गई तो गई कहाँ। देखिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा वरना स्पॉइलर हो जाएगा। दोस्तों मूवी का डायरेक्शन कमाल का है, एकदम माइंड बेंडिंग डायरेक्शन, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। प्लस मूवी की एंडिंग ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आएगी, ये मैं श्योरली कह सकता हूँ। मूवी का प्रोडक्शन और डायरेक्शन अच्छा है, प्लस विजुअल्स और कलर ग्रेडिंग आपको पसंद आएंगे। परफॉर्मेंस की बात करें तो थॉमसिन मैकेंजी और एन हैथवे ने तो कमाल की एक्टिंग की है। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर भी काफी एंगेजिंग है, जो आपको पसंद आएगा। मूवी में कुछ एडल्ट सीन है, तो आप इस मूवी को फैमिली के साथ ना ही देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरी नजर में ये एक साइकोलॉजिकल मूवी है जिसकी एंडिंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको जरूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए। मैं इस मूवी को 7/10 की रेटिंग देता हूँ। आपने ये मूवी देख लिया, देखने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।